ये प्रोग्राम आज है, हमने किसी किसी को इनविटेशन सामने से फोन करके बताया है, उसमें से कम 10 से 12 नाम हमारे पास एज ए मेंबर आ चुके हैं। एक बार जोड़ लगा लिया मेंबर यहाँ पे है। जीतो की शुरुआत 2006 85 मेंबर्स और 8 करोड़ के कॉर्पस फंड से शुरू हुई थी, एम आई राइट सर? और आज 2018 7000 मेंबर हमारे बन चुके हैं, 3000 मेंबर हमारे कमिटेड हैं और कॉर्पस फंड क्रॉस हो गया है 180 करोड़। अब ये कॉमन क्वेश्चन ये भी है, हम लोग बाहर किससे बात करते बोले तो बड़े लोगों की, अभी ये पैसे की बात बोले बड़े लोगों की संस्था है, ऐसा नहीं है। बड़े लोग अगर हमारे साथ में नहीं रहेंगे तो हम बड़े कैसे बनेंगे? सपोर्ट तो चाहिएगा, क्योंकि हम लोग सब कहीं ना कहीं संस्था में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और धार्मिक क्रिया करते सब करते हैं, पर जीतो का बहुत मंथन करते हुए ये संस्था बनी है कि अपना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बढ़ जाए। तो हमारे साथ में अगर बड़े लोग हैं, उनका विजन है, तो वो छोटों को बड़ा बना सकते हैं। अब बड़े को हम बोलते हैं मेंबर बनो, तो बोलते मुझे क्या जरूरत है? अरे आपको नहीं, हमें जरूरत है। बड़े आएंगे तो सपोर्ट करेंगे तो छोटे भी बड़े बन जाएंगे, और छोटे बोलते हैं कि यहाँ तो बड़े लोगों का है, हम क्या करेंगे? क्योंकि वो लोग डरते हैं, बोल नहीं पाते, पर बोलोगे नहीं तो काम होगा नहीं। तो आप सबसे गुजारिश है, अगर मेंबर है सब, काफ़ी मेंबर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो समझ के बनिएगा जीतो में क्यों आना चाहिए, आप समझ के बनिएगा तो आप उस चीज़ को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकोगे इस प्लेटफॉर्म को, और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जीतो में जिसके फाउंडर को, जिसके जन्मदाता को, वो और कोई नहीं, हमारे डॉक्टर विपिन दोषी जी हैं। विपिन दोषी जी भी आने वाले किसी भी वक्त, तब तालियां मारना अगर आपकी इच्छा हो तो। पर ये प्रोग्राम उन्होंने, ये झंडा बहन तो है यहाँ पे, तो विपिन जी दोषी ने बहुत लॉन्ग विजन रख के ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था गोरेगांव चैप्टर में। ये हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग एवरी मंथ हमारे जैन समाज से किसी सक्सेसफुल कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन, उससे हम मीटिंग लेते हैं, उसमें हमारे सारे मेंबर्स हम इनवाइट करते हैं, 30, 40, 50, 100 जितने भी आ सकते हैं उनकी जगह पे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मोतीलाल जी ओसवाल, वहाँ पे हम लोग गए थे, हमारे साथ में उन्होंने डिनर किया और हमारे साथ में 6 घंटे बिताए। हम सोच सकते हैं मोतीलाल जी का टाइम हम उसको दे सकते हैं? सोच सकते हैं सर? उन्होंने 6 घंटे बिताए हमारे साथ में, बैठ के खाना खाए, और सिर्फ इतना नहीं है, हम उनकी लाइफ जर्नी सुनते हैं, उनसे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी लेते हैं। मेंबर्स को आपको बिजनेस देना होगा, किसी को आपके यहाँ से, आपने नाम सुना गुरुपत डेवलपर, उन्होंने बोला कि एथिक्स, मोफतराज जी मोना, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, इतने बड़े इंसान फोर्ब्स में उनका नाम है, और उन्होंने इतनी सादगी से हमें बताया कि हमारे एथिक्स हमारे घर से शुरू होते हैं, बाद में ऑफिस में, बाद में धंधे में। तो उन्होंने जो बात की हमको बहुत हंसी भी आई और बहुत अच्छा भी लगा। वो बोलते कि मैं जब एकदम जवानी में नई नई शादी हुई थी, कोई कॉल आते थे तो बोलता था कि बीवी को बता बोल दो मैं नहीं हूँ घर पे, तो नौकर को बोले बोल दो मैं नहीं हूँ घर पे। तो एक बार उनकी बोलते मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बताया, आप घर से झूठ स्टार्ट कर रहे हो, आप बिजनेस में क्या करोगे? आपको नहीं बात करनी है तो आप खुद ले लो, मेरा मूड नहीं है, बात नहीं करूँगा, पर एटलीस्ट फोन उठाओ, सच बोलो। बोला उसी से मैंने सोच लिया कि ये बहुत सही बता रहे हैं, एथिक्स हमारे घर से शुरू होता है और फिर वो ऑफिस में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे लोगों को मिले, अशोक कटारिया जी से मिले, अशोका बिटकॉइन वाले, विमल पूनमिया जी से हम मिले, उनके पास भी सीखने मिला व्हील के बारे में। हम लोग सोचते व्हील ठीक है, जब मरने की स्थिति में आएगा तब बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है, बोला व्हील के लिए सोच के चलो, क्योंकि व्हील के बहुत सारे अपने साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं जो आपको पता ही नहीं है डे टू डे में। Come join us and let us be one strong ladies wing, and not to prove that ladies and gents are equal, but to prove that we all are gents and we are above it. सुनने के लिए हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि हम सबसे जुड़ जाएं, और तब ये सोच जाए कि हम लोग जैन ग्लोबल कार्ड बनाए, और ये जैन ग्लोबल कार्ड ये पूरे विश्व में जितने भी जैन हैं, हमारे जितने भी परिवार हैं, सबको साथ में जोड़ने का काम करेगा। इसमें हम लोग काफ़ी फैसिलिटीज, काफ़ी सारी जानकारी इस कार्ड के अंदर उपलब्ध रहेगी। ये कार्ड निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं है, और ये कनेक्टेड रहेगा काफ़ी सारी हॉस्पिटल्स, होटल्स, वेज होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वेज रेस्टोरेंट्स, ऐसी कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से, कई बड़े बड़े शोरूम से,
कई बड़े बड़े वेंडर्स हमारे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जहाँ पे आप जैन ग्लोबल कार्ड ले जाओगे तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट के लिए नहीं है, हम हमारे सारे परिवारों को जोड़ने के लिए। जब आप इसमें सारी डिटेल्स भरोगे इस जैन ग्लोबल कार्ड को, पहले तो ये बता दूँ कि आपको करना कुछ नहीं है, आपका iOS फोन है उसमें आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। आपको डाउनलोड करने के बाद आपकी संपूर्ण जानकारी उसके अंदर डाउनलोड करनी है और उसके बाद आपके सामने एक ई कार्ड आ जाएगा मोबाइल पे, बस आपको वही शो करना है। तो ये ई कार्ड के बिहाफ से आप काफ़ी जगहों का आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। हमारे तीर्थ स्थान का उसमें सारी डिटेल्स मिलेगी, आपको कहीं जाना है तो समझो कोई भी आप स्टेशन पर जा रहे हो तो वहाँ पर कौन सा तीर्थ स्थान है, वहाँ पर पचकान का है कि नहीं, वहाँ पर सूर्यास्त के पहले खाने की व्यवस्था है कि नहीं, धर्मशाला कौन सी है, ऐसी सारी चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट की गई है। तो जैन ग्लोबल कार्ड के लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, किसी ने सुनी होगी तो बोर मत होना, वापिस एक बार बोलो, चार लाइन की है। जैनों का आधार बनेगा, जैनों का व्यापार बढ़ेगा, जीतो ग्लोबल कार्ड, जुड़ जाएगा विश्व के सारे जैन, ऐसा एक इतिहास रचेगा। ये कोई सिर्फ कार्ड नहीं है, ये सिर्फ कोई कार्ड नहीं है, हम जैनों की पहचान बनेगी, जीतो ग्लोबल कार्ड। याद रखना दोस्तों, आने वाले वक्त में हम सबकी एक मसाल बनेगी। थैंक यू। संक्षिप्त में बताऊंगा, दो तरीके से हमको और फायदे हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर और एक इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर। अब इंडिविजुअल लेवल में क्या है कि जैनों ने अपने कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, मुंबई में, लेकिन वहाँ भी हमारे पास ये श्योरिटी नहीं है कि हमारे जैन लड़कों को एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले इस माइनॉरिटी के होने के बाद में 50% जैनों की इंस्टीट्यूशन, जैनों की कॉलेज, जैनों की यूनिवर्सिटी रन बाई जैन, सबसे पहले 50% जैनों के लिए रिजर्वेशन होगा, ये सबसे बड़ा फायदा। नंबर टू, आज भी वैसे जैन काफ़ी धनाढ्य हैं, पैसे वाले, लेकिन ऐसे भी हमारे भाई लोग ऐसे हैं जो कि अच्छी कॉलेजों में एडमिशन के लिए या नहीं पैसा खर्च कर पाते हैं, तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जा रहे हैं उनको इन डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं उनको स्कॉलरशिप या कई जगह 10th से 12th क्लास में फीस तक माफ है। तीसरा, आज जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज या जैसे अपने बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज में गवर्नमेंट की तरफ से कई स्कीमें जिसमें कि ग्रांट अवेलेबल है इन दोनों के लिए। सिमिलरली जो कल्चरल और स्पोर्ट्स के लिए भी गवर्नमेंट ग्रांट आपको इंडिविजुअल लेवल पे मिल सकती है। ये तो एडवांटेज हुए इंडिविजुअल लेवल के। अब आइए इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर। अब इंस्टीट्यूशनल लेवल में हम लोगों ने उपाश्रय, मंदिर, धर्म ध्यान की कई जगहें बनाई, तीर्थ स्थल है हमारे, लेकिन आप ये देखिए कि गवर्नमेंट का आज एक तो खतरा लगता था कि ये गवर्नमेंट कभी भी टेक ओवर कर सकती है। नाउ इस माइनॉरिटी स्टेटस होने के बाद में वो टेक ओवर का खतरा हट गया है लिटरली। नंबर टू, इन्हीं इंस्टीट्यूशंस वगैरह में पहले गवर्नमेंट का इंटरव्यू मैनेजमेंट में भी कि हमारा ट्रस्टी होगा, एक हमारा आदि बैठेगा, आज की तारीख में उस एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेजमेंट है इन इंस्टीट्यूशंस में, ट्रस्ट में, धर्मस्थान, मंदिरों में, मंदिरों में उसमें मंदिरों में इंस्टीट्यूशंस के अंदर आज गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो गया। तीसरा, आज माइनॉरिटी होने के बाद में अगर हम कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे तो गवर्नमेंट इज ऑब्लिगेटेड टू गिव अस द लैंड एट अ कंसेशनल एंड रीजनेबल रेट्स, वो एक चौथा फायदा होगा। इसी तरह से आप जहाँ भी जाए स्पेशल जो जो माइनॉरिटीज के अंदर में जो जो एडवांटेज मिलेंगे वो हर एक अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्कीम्स हैं, उस सब में आपको सब कुछ फायदा मिल सकता है। मुझे क्या बोलना है दोस्तों, मैं जो मुझे टॉपिक दिया गया है उसके बारे में तो बोलूँगा, लेकिन उसके पहले दो तीन चीज कहने की मैं इजाजत लेता हूँ आपसे। सबसे पहले तो ये बात मैं हमेशा करता हूँ और आज भी कहना चाहता हूँ, कुछ बरस पहले जब जीतों की शुरुआत हुई
तो एक दिन गुरुदेव ने मुझे कहा कि आप बालकेश्वर आइए और एक नई संस्था बनाना है। बोला क्या है ये साधु लोग पीछे पड़े हुए, नई संस्था कितनी जैनों की संस्था है, कुछ और क्या संस्था है बनाएंगे, लोग पागल है। बोला मैं नहीं आऊंगा। दूसरे दिन फोन आया कि गुरु जी बुला रहे हैं आपको, क्योंकि मैंने उसको जैन डॉक्टर्स फेडरेशन के मैं कुछ काम किया था गुरु जी के साथ, बोला अभी गुरु जी है जाना पड़ेगा, तो मैं गया। बोला गुरु जी क्या है, एक नई संस्था बना रहे हैं, जैन सोशल ग्रुप है, जैन जागृति है, महावीर इंटरनेशनल चल रहा है, कितनी संस्थाएं चल रही है और हर एक की अपनी कच्छियों की संस्था है, इसकी संस्था है, उसकी संस्था है, एक और संस्था बढ़ा के क्या करना है, और मैं तो नहीं काम करूंगा ऐसी संस्था के लिए, न तो मैं चाहता हूं कि ऐसी कोई संस्था बने, क्योंकि हम बहुत बिखरे हुए हैं, हमें जोड़ना है लोगों को, हमें तोड़ना नहीं है, नई नई संस्था बना के हम और टूटते जा रहे हैं। ये मेरा एक दर्द था, एक मेरी व्यथा थी। मुझे कहा कि 5 मिनट मेरे साथ सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूं, और उसने 3 बातें कही मैं आज भी याद रखता हूं। डॉक्टर साहब आप तो इतने पढ़े लिखे हैं ना, आप बता सकते हैं कि आज तक कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है? अभी तो गूगल मैन मेरे पास ही रहती है ना, तो मैंने देख लिया, उस जमाने की बात कर रहा हूं, 700 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, 700 पीपल हैव गॉट द नोबेल प्राइज बाय दैट टाइम। 700 में से मुझे बताइए एक जैन को नोबेल प्राइज मिला है? नहीं मिला। दूसरा प्रश्न पूछा मुझे कि दुनिया के पहले 100 पीपल, richest पीपल ऑफ द वर्ल्ड, आप मुझे बताइए। बोला कुछ बातें 500 के बताइए। बोला ठीक है, 500 richest पीपल ऑफ द वर्ल्ड, नो चेंज। हम कहते ना हम समृद्ध है, शिक्षित है। बाद में तीसरा प्रश्न पूछा गया कि बोले ज्यूज यानी कि हम जो ज्यूज लोग कहते हैं ना, उसकी कितनी संख्या है? बोला वो तो मालूम है, क्योंकि जैन फिलोसॉफी पढ़ाता हूँ, हर एक धर्म की बात पढ़ाता हूँ, तो वो तो मालूम है। बोला करीबन 1 करोड़। अच्छा, और उसमें से कितने को नोबेल प्राइज मिला है? यानी बिलीव 230 ज्यूज हैज गॉट द नोबेल प्राइज, पूरे विश्व में सिर्फ 1 करोड़ लोग, और ले मोर देन 80 ज्यूज are on the list of 500 richest people of the world. हमारी संख्या भी 1 करोड़ की है। हम भी बिजनेस में इतने पावरफुल हैं, लेकिन हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए जुड़े हुए नहीं हैं। हम हमारे व्यक्ति को आगे बढ़ाने की इतनी कोशिश नहीं कर रहे हो जो ज्यूज लोग कर रहे हैं। और बाद में शैलेश मेहता, myself, we all studied the ज्यूज model, कि ज्यूज लोग कैसे काम करते हैं। ज्यूज लोग बहुत सोशल एक्टिविटीज करते हैं, काफी, वहां तो ऐसा है एक बच्चा नहीं, 2 बच्चे के बाद जो भी खर्चा आता है सब ज्यूज समाज देता है उसको आगे बढ़ाने के लिए। मैं वो बात को जाने देता हूँ, 8-8 बच्चे होते, 10-10 बच्चे होते। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बिजनेस में वो पहले देखते हैं कि ज्यूज कौन है और मुझे ज्यूज को आगे बढ़ाना। टोल्ड मी कि डॉक्टर साहब आपने सोशल एक्टिविटीज तो बहुत की है, लेकिन एक बार समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम कीजिए। आप कोल्हापुर गए हैं? मैं बोला नहीं गया हूँ। बोला जाइए, वह आज भी हमारे जैन भाई खेत में काम कर रहे हैं। अब क्या जैन समृद्ध समाज की बात करते हो, बम्बई की बात करते, सिर्फ गांव में जाइए। और मैं बोटाद गया था, मेरा छोटा सा गांव, और मुझे भी वहां मालूम पड़ा कि हमारे कई बच्चे गुजराती में कहने रैकड़ी चला रहे अने नाना नाना। समाज को जरूरत है आगे बढ़ने की। जो जैन नहीं है वो मुझे पूछेगा कि भाई जैन तो इतने सुखी है, समृद्ध है, आपको जैन समाज को क्यों आगे बढ़ा रहे हो, जैनों को क्यों आगे बढ़ाना है? मैं एक ही कहता हूं, तीर्थंकर महावीर की हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा देने की परंपरा है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ जैन समाज आगे नहीं बढ़ेगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं हमारे जो चैप्टर्स के हमारे बहुत से सेवा के कार्यक्रम हैं, कांदीवली में हमने एक डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया है, 1 वर्ष के पहले शुरू हुआ, आज 20,000 लोगों को वहाँ फायदा मिला है। कैंसर का काम डॉक्टर रन्ना दोषी और उसकी टीम बहुत अच्छा कर रही है। प्लेज ऑर्गन डोनेशन का काम भी हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं।
थोड़ा फिट भी रह जाना चाहिए, तो फिटाथोन का भी काम कर रहे हैं। ये सोशल एक्टिविटीज हमारे बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये सोशल एक्टिविटीज हमारा मेन प्रोडक्ट ही है। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? साथ में रहो और आगे बढ़ो। अगर हमारे पास समृद्धि है, संस्कार है, तो दुनिया की कोई भी ताकत जैन विचार को, जैन परंपरा को, जैन दर्शन को मिटा नहीं सकती है। हमें वो करना है और उसके लिए आज सबको यहाँ बुलाया गया है। आप में बैठे हुए सोचेंगे कि ये चीतों में झूठ के क्या करेंगे, मैं तो इधर भी जुड़ा हूँ, उधर भी जुड़ा हूँ, उधर भी जुड़ा हूँ, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक बार चीतों से जुड़िए, एक बरस के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आपकी कहाँ से कहाँ पहुँचने की क्षमता है। और दूसरी बात के साथ में कह देता हूँ, हम कुछ नहीं करते हैं आपके लिए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्लेटफॉर्म देंगे। प्लेटफॉर्म का उपयोग आपको कैसा करना है वो आपकी क्षमता के ऊपर है। अगर आप में क्षमता है और इफ द स्काई इज द लिमिट फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स, मैं तो खास कहता हूँ जो बैठे हैं वहां, आप चाहे मेंबर बने या ना बने, अगर आपके बच्चे प्रोफेशनल्स है, आपके बच्चे कुछ बिजनेस कर रहे हैं, आपके बच्चे कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आपके घर की कोई लेडीज आगे बढ़ना चाहती है, तो दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। इससे अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास। काम कर रहा है कच्छ के लोगों के लिए, लेकिन वो सब सेवा के काम है। हम चाहते हैं कि सेवा के साथ साथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हमारी समृद्धि भी बढ़े। और आज हम एक मैसेज लेके जाएंगे, दो शब्द और कहना चाहता हूं, दो मिनट। थैंक यू। दो बातें करना चाहता हूँ और एक दो कहानियां है। यहाँ बहुत सी संस्थाओं के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इसके लिए दो कहानी कहने की मुझे इच्छा रहती है। एक पहली कहानी है, एक जंगल में आग लगी थी। आग इतनी भयानक थी कि बुझ नहीं पा रही थी। वो आग को बुझाने के लिए जंगल के जो भी जानवर थे, जो भी जीव थे वहां, वो इकट्ठे हो गए। बोले आग को बुझाएंगे कैसे? बोले भाई आग तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें कोशिश तो करनी है। क्या करेंगे? बोले बाजू में एक नदी बह रही है, भागो वहां, जल्दी पहुंचो और हमारी जो भी क्षमता है उतना पानी लेके इस आग में डालने की कोशिश करो, तो आग बुझ जाएगी। सब जानवर तैयार हो गए, सब गए, हाथी गया, हिरन गया, गाय गई, भैंस गई, सब गए। जो भी अपनी गले के अंदर जितना भी पानी ले सकते तो उतना पानी लेके वो आग में डालने की कोशिश कर रहे। उस समय पे एक चिड़िया अपनी चोंच के अंदर एक पानी का बूंद लेके आ रही थी। जब आ रही थी तो वो टकराई हाथी भाई से, टकराई। पर हाथी भाई ने कहा कि बेची क्या कर रही है, तेरी एक बूंद से क्या होने वाला है? तभी तो चिड़िया ने जवाब दिया कि आदि भाई आपकी बात तो ठीक है, मेरी एक बूंद से कुछ हो भी नहीं सकता है, लेकिन मैं एक आप बात को बताना चाहती हूं। जब ये जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, इस जंगल के अंदर जो आग लगी थी वो बात लिखी जाएगी, उस आग बुझाने के लिए जिन जिन लोगों ने कोशिश की उसके नाम लिखे जाएंगे। अगर उसमें मेरा नाम नहीं होएगा तो मेरे वंशज मुझे माफ नहीं करेंगे। जैन समाज का अस्तित्व रखने के लिए अगर आप उसमें आपका नाम नहीं लिखवाएंगे तो आपका वंश आपको माफ नहीं करेगा। आपकी जितनी भी क्षमता है, यहां कुछ बैठे बोले हम क्या करेंगे, हम तो छोटे आदमी है, हमारा में ये दूसरी स्टोरी कहना चाहता हूँ परेश भाई आपके लिए, संस्था के लोग यहाँ आए उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ। मैं वहां जाऊ, अच्छे नए कपड़े ले लेती खरीद करके आए। उस जमाने में तो वो प्रैक्टिस नहीं थी कि वो कोई ड्रेसिंग रूम नहीं थे, घर पे आए देखा कि लंबा है, 2 इंच लंबा है पायजामा। तो घर पे बैठे, सुबह में चाय पे बैठे थे, उसने कह दिया कि भाई मेरा पायजामा 2 इंच लंबा है, थोड़ा काट देना। बहन बैठी थी, माँ बैठी थी, पत्नी बैठी थी, तीनों बैठे थे।
समझ गए ना। माँ को लगा कि पति गली काटेगी, माँ ने काट दिया। पति रात को शब्दों पर मैं सोके उठी, उसने दोनों बीच काट लिया। पेंट को लगा दोनों नहीं काटे, उसने भी काट लिया, तो हाफ पेंट हो गया। अब बोले कि ये कहानी से हमारा क्या लेना देना है। दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, लेकिन हम समन्वय नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं कि मेरी संस्था ये करे, अरे संस्था करो, लेकिन हम समन्वय क्यों नहीं कर रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जीतो का नाम आज यहाँ कार्यक्रम होता है तो गोरी बोली की 15 संस्था का नाम यहाँ साथ में होना चाहिए, तभी समन्वय होगा। तो हमें क्या लेना है, क्या देना है, क्या लेके जाना है। रात को सोते समय इतना ही सोचे कि आज हमने कुछ कर दिया, कुछ कर पाया है, तो हमारी नींद अच्छी रहेगी। और लास्ट में जो भी बैठे हैं उसको कहना चाहता हूँ, हम जो भी करते हैं दूसरे के लिए नहीं करते हैं, अगर दिन में कुछ अच्छा काम किया तो रात को अच्छी नींद आ जाएगी, इसके लिए हमें ये काम करना चाहिए। मुझे मालूम नहीं है कि भगवान का हिसाब है कि नहीं, लेकिन अगर कभी कोई हिसाब मांगे तो मैं अपना हिसाब, अपनी खाता बही, अपना रिटर्न अच्छी तरह प्रेजेंट कर सको, इसके लिए हम काम करते हैं। मैं आप सबको फिर से कहता हूँ, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने का ऐसा प्लेटफॉर्म आपके जीवन में कभी नहीं होगा। जीतो एक ऐतिहासिक घटना है, उस घटना के आप साक्षीदार हो, उसमें जुड़िए और जीतो आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ेंगे, आपका परिवार भी आगे बढ़ेगा। उस भावना के साथ आपको वंदन करता हूँ। पैटर्न मेंबर बोरीवली के बासिंदे सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। जीतो गोरेगांव चैप्टर की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। डॉक्टर बिपिन भाई जोशी के बोलने के बाद में कुछ बोलने को नहीं रह जाता, आने वाला आउट हो जाता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ जितने बैठे हैं उसमें कितने लोग व्यापारी हैं, कितने लोग प्रोफेशनल हैं, कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो अपना हाथ खड़ा करें। जो सेल्फ एम्प्लॉयड व्यापारी बिजनेस कुछ भी करते हो, डॉक्टर हो, वकील हो, दुकान चलाते हो, घर चलाते हो, कुछ भी करते हो, वो अपना हाथ खड़ा करें। ये 80% से ऊपर लोग अपना कारोबार छोटा करे बड़ा करे एंटरप्रेन्योरशिप में है, और एक एंटरप्रेन्योर नफा नुकसान देखता है कि मैं ये करूंगा तो क्या नफा होगा, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो क्या नुकसान होगा। काम करने के पहले वो उसका पड़तल निकालता है। बिरला ग्रुप में एक वर्ड बहुत प्रचलित था, घनश्याम दास जी बिरला बोलते थे पड़ता निकलो, अभी उसका मॉडर्नाइज वर्ड हो गया कि वायबिलिटी निकालो। बिरला जी के टाइम में ये था कि भाई पड़ता निकालो, पड़ता पड़ता है तो काम करना है, पड़ता नहीं पड़ता है तो काम नहीं करना। जीतो से जुड़ना उसमें भी आपको पड़ता निकालना है। डॉक्टर बिपिन भाई जोशी जो नहीं जुड़ने वाले थे उनके मन में था कि इतनी संस्थाओं से जुड़ा हूं, अभी एक संस्था से और क्यों जुड़ू, उन्होंने भी पड़ता निकाला। वो उन्होंने स्वयं अभी बताया कि मुझे जुड़ने की इच्छा नहीं थी, महाराज साहब से उन्होंने पूछा, महाराज साहब ने उनको जो सवाल पूछे उसका जवाब दिया और उन्होंने पड़ता निकाला, और उस पड़ते में उनको लगा कि जीतो से जुड़ जाना चाहिए। अब जब इतना वर्सेटाइल पर्सनालिटी, ये डॉक्टर हैं लेकिन नाटक भी लिखते हैं। इनके नाटक आप लोगों ने देखे या नहीं देखे, मैंने देखे हैं। गुरु गौतम एक मिनट,
चार नाटक इनके भामाशाह, गांधी बिफोर गांधी, शेख मोती शाह। अब उन्होंने डॉक्टर होते हुए चार नाटक लिखा, चार नाटक का मंचन किया और इतनी जगह उन नाटकों का प्रचार किया, तो वर्सेटाइल पर्सनालिटी तो है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ये बायोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं, जो इनका सब्जेक्ट है जिसमें इन्होंने डॉक्टरेट की है वहां जेनोलॉजी पढ़ाते हैं। जब वहां जेनोलॉजी पढ़ाते हैं या नाटक लिखते हैं और डॉक्टरी भी की, और ऐसा व्यक्ति अगर पढ़ता निकालता है कि जीडो में जुड़ना चाहिए, तो उसका मतलब होता है, होता है कि नहीं होता? और वो काम करने के बाद में उनको रिग्रेट नहीं है, उनको खुशी है कि उन्होंने वो काम किया, उस काम को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है हम लोगों के लिए, कितनी बड़ी बात है। ये दो मिनट पहले इन्होंने हम सबको बताया, और अगर हम इससे कुछ सीख ले सके तो हमें ये सीख लेने की बहुत बड़ी जरूरत है। जेनेरिक मेडिसिन की दवाई की दुकान और डेंटल डिपार्टमेंट करना चाहता है। सुबह में 9 बजे ये मीटिंग भी मेरी, मैंने हमारे जो FCP का जो एक हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाला कि भाई फिजियोथेरेपी के लिए 11 लाख रुपया चाहिए, डेंटल डिपार्टमेंट के लिए 11 लाख रुपया चाहिए, और ये जो जेनेरिक स्टोर है उसका भी नक्की नहीं किया है, किसी को लाभ लेना है तो बोल दीजिए। मुझे 6 फोन आ गए और बोले साहब हमको लाभ लेना है। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, रस्ते में तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास पलट कर चल। विश्वास ये जीटो देगा। अगर आप बोले कि भाई मैं जीटो में मेंबर हूं, मैं जैन में श्रद्धा रखता हूं और मैं महावीर के मार्ग पे चलने वाला हूं, तो ऑटोमेटिक थोड़ी तो इंप्रेशन पड़ने वाली कि भी बहुत गलत काम तो नहीं करने वाला, थोड़ी बहुत गलत काम हम सब करते हैं, हमें सभी मालूम है। तो ये सब विश्वास जगाने के लिए ऐसी एक संस्था जो बनाई है वो खूब फूले फले और सब जैन का साथ में विकास हो, वो भावना के साथ जय जय जी।